नेटवर्क 18 देखिए सर, नेटवर्क नेटवर्क 18 मीडिया। मीडिया में एक चीज देखा गया है जो नॉर्मली मैं जब भी मीडिया स्टॉक पे डिस्कस करता हूँ तो डिस्कस करता हूँ कि इसमें जो मोमेंटम आते हैं साइडवेज पैटर्न के बाद बड़े मोमेंटम, ये पैटर्न मीडिया का है। तो अभी ये साइडवेज चल रहा है, इसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जब भी आएगा तो इसमें ट्रेड करना चाहिए। 82 के ऊपर जाता है तो बाय मिलेगा, और नीचे में अगर 67 रुपीज कट हो जाता है तो सेल मिलेगा। एक बड़ा मूव इसमें ऑलरेडी हो चुका है, जो 117 रुपए से हम लोगों ने नीचे में 65 रुपीज देखा है, वो एक बड़ा मूव इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी कोई बड़ा मूव इसमें एक्सपेक्टेड नहीं है, साइडवाइज करेक्शन में ये स्टॉक पड़ा रहेगा। लेकिन जब भी बड़ा मूव आना है इसको, जो रिसेंट पिछले कुछ दिनों में हाई बना था 82, उसको कट करेगा तो बड़ा मूव आएगा, और अगर नीचे में आप 65 कट करोगे तो डाउन साइड का मूव आएगा। ये बीच में 65 से लेके 82 के बीच में ये स्टॉक मोर और लेस साइडवेज रह सकता है। ठीक है, तो ये टेक्निकली और जिस तरीके से विशाल सर बता रहे हैं वो, और खबरों के लिहाज से फंडामेंटल्स के लिहाज से ये भी समझिए कि अभी बहुत सारी चीजें ये कही जा रही हैं कि एड बजट्स जो है कंपनीज ने कम किए हैं या थोड़ा सा उसको रोक रहे हैं, क्योंकि एफएमसीजी में कंजम्पशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सारा बिक्री पे थोड़ा सा कहीं आंकड़े खराब है, तो वो भी एक चीज है। और दूसरी चीज एक और साइकिल जो जी, विशाल सर कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। अच्छा, और एक और चीज जो विशाल सर जो कह रहे थे कि जो वो आता है एक एक बार स्पाइक आता है, तो वो सर इलेक्शन के समय में भी आता है मीडिया के स्टॉक्स में। नहीं, स्पेसिफिक इवेंट्स में ये चीज आती हुई देखी है, जैसे आईपीएल आईपीएल में है या वर्ल्ड कप है या कोई बड़ा हॉट न्यूज मार्केट में चल रहा है, तो ये टाइम पे ये सब चीजें होती हुई हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से। फेस्टिव सीजन होता है सर, तो उस समय बजट्स होते हैं सब लोग वाला के भी, तो दिवाली। लेकिन बाकी टाइम पे ये स्टॉक जो है वो साइडवेज रहता है। अगर आप चार्ट पे, आपके भी स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, तो एक बड़े मूव मतलब साइडवेज करेक्शन, बड़ा मूव साइडवेज करेक्शन, बड़ा मूव, इसका ये पैटर्न ही बना हुआ है। ओके, तो ये यही तरीके से चलने वाले स्टॉक्स है, स्पाइक्स आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो वो वाली चीजें, और उसके बाद फिर काफी समय तक साइडवेज। तो मीडिया शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो, ऐसा मेरा खुद का मानना है। दे शुड बी ऑफ योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियोस, ट्रेडिंग बेट्स उसमें अच्छी मिल जाती है, बट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो मतलब हम लोग मल्टी बैगर जिसको कहते हैं, मीडिया में नॉर्मल मल्टी बैगर्स नहीं मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा इंडिविजुअल डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर दे देता हूँ, ये इंडिविजुअल मानना है, इसमें अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग राय डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, नहीं, और मैं सर आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा वैल्यू बाइंग जैसा कोई भी आज तक अभी तक मीडिया में मुझे भी नहीं दिखा कोई स्टॉक जो कि कहा जाए कि हाँ ये बहुत सस्ते में था और अब बहुत हाई है, वाली चीजें तो कहीं एक रेंज में ही रहता है, तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है। दूसरा एक मीडिया में आप देखे है, तो जो तरीके से टेक्नोलॉजीज खुद को चेंज कर रही है, जैसे प्रिंट मीडिया का जमाना था, प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो का जमाना आया, और ये कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और जिस तरीके से आईटी हब इंडिया अभी बना हुआ है, उस तरीके से ये चीजों में बहुत सारे प्रोग्रेशन आएंगे, जिसको एडॉप्ट करने के लिए हर एक कंपनी को डिफिकल्ट जाता है, बहुत सारे खर्चे उसमें आते हैं, और जितना हम लोग मीडिया पे या नेट पे डिपेंडेंट होना चालू हो चुके हैं, उतने कहीं ना कहीं न्यूज चैनल्स वगैरह वो सब चीजों में थोड़े से तकलीफ आता है। मैं सॉरी लवजीत जी, आप भी एक मीडिया प्लेयर हो, आज के डेट में अगर कहीं ना कहीं आपको ये चीज अलग तरीके से आपने समझी होगी, तो आप भी बहुत सारे बिजनेस में आप हो आज के डेट में, कहीं ना कहीं मीडिया बिजनेस में हो, तो ये सब चीज आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। सर, मैं इन सब चीजों से सीखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा होगा, या क्यों होता है कि इतने बड़े बड़े जायंट्स थे वो उसके आगे ग्रो नहीं हुए और खत्म हुए, तो कहीं मेरे को फिर ये जो मेरे लिए लेसन है, और जो उस लेसन को मैं हमेशा लेकर के चलता हूँ, इसीलिए बहुत ही एजाइल और बहुत ही स्टार्टअप और बहुत ही उस तरीके के फ्लेक्सिबल मॉडल पे काम करता हूँ, कि हमें समय के साथ में चेंज करते रहना होगा। अब मीडिया है तो मीडिया तो सबसे पहले चेंज होता है, आईना होता है ना सर, तो शक्ल जैसे बदलती है वैसे ही आईना भी दूसरी तरीके की शक्ल दिखा देती है। कल तक जब काले बाल थे मेरे तो वो काले दिखाते थे, आज जब सफेद बाल होने लगे तो दिख जाएगा। तो उस तरीके से मीडिया को भी होना चाहिए समय और सोसाइटी, और उस चीज के हिसाब से अगर आप चेंज नहीं होंगे
तो अखबार ने सोचा कि हम ही सबसे बड़े हैं और हम अखबार हैं और हम तो अलग हैं, और उसने चेंज नहीं किया, तो कभी कोई और आकर के आगे चला गया, टीवी आ गया, फिर टीवी ने अपने आप को कहा कि हम तो सैटेलाइट चैनल हैं, हम तो ये करते हैं 24 घंटा, ये वो उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, डिजिटल आ गया और उसने चीज बदल दी, रेडियो खत्म हुआ था फिर एफएम के फॉर्म में आ गया, तो चीजें बहुत जर्निंग होती है मीडिया के अंदर में। और मैं वो लेसन हमेशा अपने सामने रखता हूँ कि हमेशा समय के साथ में चेंज करते रहना होगा, जब भी नई चीजें आएंगी, पॉडकास्ट चल रहा है हम पॉडकास्ट में चले गए, हम वो भी करते हैं, तो वो सारी चीजें, वो सारे एक्सपेरिमेंटेशन, तो मुझे लगता है कि शायद वो ही एक की है, क्योंकि बाकी कंपनीज में भी यही होता है, तो अगर वो कंपनीज ने अगर ग्रो नहीं किया, अगर आपने पेट्रोल और डीजल इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे नहीं गए और साथ में वो भी आपने ऐड नहीं किया, तो आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी कार कंपनी रही हो, आप खत्म हो जाएंगे। तो समय के साथ में चेंज करना पड़ेगा। आप नोकिया हैं, आप सबसे बड़े जायंट थे, लेकिन अगर आप टच स्क्रीन पे नहीं जाएंगे और बटन वाले फोन बनाते रहेंगे, तो फिर समय के साथ में आप खत्म हो जाएंगे। और आखिरी नोकिया फोन कब देखा था हम लोगों ने, वो भी हम जानते हैं कि कहीं नहीं। तो मैं बस उतना लेसन लेकर के चलता हूँ, तो वो सीखता रहता हूँ और वो वाली सारी चीजें, तो इसलिए कहीं कुछ अदरवाइज नहीं लेता हूँ।